वेरी वेरी गुड इवनिंग वेरी वेरी गुड इवनिंग कल ऐप में कुछ दिक्कत आ गई थी ये अब आज फिर से हम लोग लौटा लो है एक बार ऐप पे ये यूट्यूब पे भी लाइव था लेकिन लाइव है तो हम यूट्यूब में भी आप देख सकते हैं और यहाँ भी देख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है बस कमेंट में आपका ही पट पाऊंगा साक्षिका जी गौतम जी राजकुमार जी प्रियंका जी आप सब लोगों को बहुत बहुत नमस्कार बहुत बहुत नमस्कार कल नमस्कार बहुत बहुत नमस्कार सोचा कहीं फिर से खराब ना हो जाए इसलिए youtube पे भी हैं हरिओम वेरी वेरी गुड इवनिंग वेरी वेरी गुड इवनिंग वेरी वेरी, वेरी गुड इवनिंग सुदेश जी आकांक्षा जी इंस्पेक्टर क्लेश कुमार आप सब लोगों को बहुत-बहुत बहुत-बहुत नमस्कार आप सब लोगों को बहुत-बहुत नमस्कार आइए पंकज यादव जी वेरी गुड इवनिंग शुरू करते हैं ओम सिंह जाट वेरी वेरी गुड इवनिंग मैं सुभाष जी कल हमने आपको 150 वर्ड दिए थे 100 मैंने चिल्ला-चिल्लाकर आपसे आपको सिखाने का प्रयास किया था जैसे भी वो रिलेट करके कहानी बना के इमेजिनेशन इमेजिन करके विजुअलाइज करके आपको बताने का प्रयास किया था आज फिर से मैं डेढ़ सौ वन वर्ड लेके आया हूं जिसमें हंड्रेड इडियम्स सॉरी हंड्रेड वन वर्ड हम अभी आपको सिखाने जा रहे हैं हंड्रेड वन वर्ड्स हम अभी सिखाएंगे आपको और पचास हमेशा की तरह आप घर से याद करके आएंगे जो आपसे पूछा जाएगा तो आपसे मैं पूछूंगा क्लास के अंत में फिलहाल हम शुरू करते हैं एक सौ इक्यावन एक सौ इक्यावन कल डेढ़ सौ तक मिला था आपको डेढ़ सौ तक आज एक सौ इक्यावन से बात को आगे बढ़ाते हैं अंग्रेजी में पढ़ के बता दूंगा लेकिन मीनिंग एक रखता हूं यहां पे शुरुआत करते हैं दीपक जी राम राम जी दीपक जी बहुत बहुत नमस्कार आरती जी ये सब एडियम्स ध्यान दीजिएगा इधर प्लेटोनिक 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 का मतलब रिलेशनशिप दैट इज प्योरली स्पिरिचुअल नॉट फिजिकल प्लेटो ने जिस तरह से प्यार को परिभाषित किया भाई बहनों उसे प्लेटोनिक लव कहते हैं लेकिन आसाराम राम रहीम जिस तरह का प्यार करते हैं उसे प्लेटोनिक नहीं कहते हैं वो तो प्लेट में टॉनिक उन्हें पीने की आदत नहीं है जो प्लेट टॉनिक पिए समझिए प्यार उसका प्लेटोनिक है जो प्लेट में टॉनिक पिए वो प्यार प्लेटोनिक है आसाराम का राम रहीम का प्यार प्लेटोनिक नहीं है प्लेटोनिक 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 तो देखिए आपका प्यार आप भी किसी से प्यार करते होंगे तो देखिए आपका प्यार प्लेटोनिक है आप प्लेट में टॉनिक पीते हैं या फिर किसी के हाथ में टॉनिक रख के पीते हैं प्लेट में टॉनिक लेकर पी रहे हैं प्लेटोनिक है किसी के हाथों से पी रहे हैं तब प्यार प्लेटोनिक नहीं है क्या है या सर हम बताएंगे आइए बात करते हैं ललबाई 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 लालू जी लालू जी को जब तक उनकी बाई जब तक उनकी काम वाली बाई लोरी नहीं सुनाती थी उन्हें नींद नहीं आती थी लालू जी की बाई काम वाली बाई जब तक लोरी नहीं सुनाती थी नींद नहीं आती थी ललबाई का मतलब और सॉफ्ट जेंटल song sung to make a child go to sleep go to bed एंड सरियल 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 बातें कीजिए आप आपकी सारी बातें सरियल होती है सर आप रियल बातें कीजिए सर आप रियल बातें कीजिए आपकी सारी बातें सरियल होती है सरियल होती है सरियल का मतलब देखिए अंग्रेजी में क्या है रिजेंबलिंग अ ड्रीम मतलब नॉट रियल सीर का मतलब भविष्य बताने वाला रावण के पास कई सारे शीर थे इसलिए वो भविष्य भी जानता था क्योंकि रावण के बाद दद्द शीर था इसलिए रावण को लोग शीर कहते हैं भविष्य बताने वाला शीर 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 तुम्हें मिलेगा या नहीं खीर यह बताएगा सीर 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 बैलिस्टिक्स का मतलब बैलिस्टिक्स हवाओं में जो मिसाइल जो इस्तेमाल किए जाते हैं वो हवाओं में मिसाइल का क्या पथ होगा कैसे आगे पीछे होंगे इसकी पढ़ाई ट्रेजेक्ट्री ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन फ्री फ्लाइट उसे कहते हैं बैलिस्टिक्स 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 एक है गो बैलिस्टिक है. गो बैलिस्टिक गो बैलिस्टिक गो बैलिस्टिक मतलब गुस्सा हो जाना बाली भाई बहनों बाली अगर नहीं लगाती थी लिपस्टिक बाली नहीं लगाती थी लिपस्टिक उसके खसम उनका खसम बैलिस्टिक हो जाता था गुस्सा हो जाता गो बैलिस्टिक मतलब गुस्सा हो जाना ये इडियम है ये भी कई बार हमारे एग्जाम में पूछा जा चुका है तो याद रखिएगा बैलिस्टिक मिसाइल तो बैलिस्टिक मिसाइल वही है गो बैलिस्टिक गुस्सा हो जाना प्लेंटिव प्लानिव प्लान प्लेटिव प्लानिव प्लान प्लेटिव प्लानिव प्लान प्लानिव प्लान सुबोध जी मैंने सोचा प्रियंका कुमारी जी मैंने सोचा प्लेन में टीवी देखने का मौका मिलेगा प्लेन में टीवी देखने का मौका मिलेगा लेकिन प्लेन में टीवी देखने का मौका मिला नहीं इसलिए मैं बिल्कुल शोकपूर्ण हो गया मैं मॉर्नफुल हो गया मैं डोलफुल हो गया मैं मॉर्नफुल हो गया मैं मिलंकलिक हो गया मैं प्लेन हो गया प्लेन का मतलब होता है साउंडिंग सैड एंड बोर्नफुल साउंड का मतलब लगना वेफ 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 लवारी हमारे एक, एक, एक शैफ अली खान आप जानते हैं शैफ के पास एक छोटा सा तैमूर भी है और सैफ का कहना है कि गली मोहल्ला में जहां भी है वेफ वो बच्चा है सैफ का जहां भी दिखता है वैफ सैफ है ये मेरा बच्चा है, इसलिए हमारे सैफ अली खान जहां भी लबारिस बच्चा को देखते हैं अपने घर ले आते हैं कहते हैं तो होगा सैफ का वैफ तो होगा सैफ का, तो का अर्चिन भी कहते हैं से, अर्चिन यू आर सी एच आई एन चिन अर चिन 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 चिन, चिन यू आर अर्चिन अर्चिन का मतलब लबारिस बच्चा गली मोहल्ले का बच्चा वैफ 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 एंड ब्रोंको ब्रांको 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 अरे ब्रेन को लगाओ ब्रेन को लगाओ हर काम में ब्रेन को लगाओ हर काम में ब्रेन को लगाओ नहीं तो लोग कहेंगे जंगली घोरा हो गया है ये हो गया है ब्रोंको हो गया है ब्रांको ब्रांको ब्रोंको हो गया है इनकॉरिजिबल इसे सुधारा ना जा सके इनकोरिजिबल इनकॉरिजिबल अ पर्सन

अब तो चाइना भी भाइयों बहनों इनकॉरिजिबल हो गया है बार बार समझाने का प्रयास करता हूं ऐसा लगता है घर में घुस के पीटेगा वो इनकॉरिजिबल 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 पंटर 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 मतलब बाजी लगाने वाला बाजीगर पंटर पंटर पेंटर ये जो पेंटर है आज जो अरब पति बन गया है ये कभी पेंटर था लेकिन पेंटर जब से बना पंटर तब से उसकी किस्मत बदल गई क्योंकि पेंटर ने हर चीज दाव पे लगा दिया वो पेंटर पंटर बन गया मतलब पर्सन हु गैम्बल्स और बेट्स पॉन्टिंग को भी लोग कहते हैं पंटर आपको भी विजेता बनना है सुबोध जी आपको भी बनना पड़ेगा पंटर आपको भी प्रवीण रावत जी आपको भी बनना पड़ेगा पंटर हर चीज पे लगाना पड़ेगा जैसे राज कपूर साहब ने हर चीज पे लगा दिया बिल्कुल तीन चार पांच छह महीना तक पैसा लगाए जा रहे हैं लगाए जा रहे हैं घर में कुछ भी नहीं आ रहा है बॉबी मूवी में सब कुछ लगा दिया गिरवी रख दिया और देखिए बॉबी सुपर डुपर हिट हुई और जितना लगाया करोड़ गुना लौट कर आ गया क्योंकि राज कपूर साहब पंटर थे आप भी पढ़िए पंटर बनिए बाजीगर बनिए आप भी जीत कर बहुत कुछ लेके आएंगे शर्मन का मतलब धर्मोपदेश सर कमाल की बात करते हैं सर आप जब भी मन से बात करते हो सर आप जब भी मन से बात करते हो सिर्फ शर्मन ही शर्मन ही निकलता है शर्मन ही शर्मन निकलता है उस शब्द नहीं उस शर्मन होते हैं आपका हर शब्द शर्मन होता है शर्मन से जब बात करते हो आप कनाशर मतलब विशेषज्ञ कौन से सर कौन से सर कंजंक्शन पढ़ाने में कनाशर हो चुके हैं कौन से सर कंजंक्शन पढ़ाने में कनाशर हो चुके हैं आज उस सर को बुलाया जाए क्योंकि तो वही एक सर है जो कंजंक्शन में कनासर है और आप सबको कंजंक्शन पढ़ाएंगे अनुई वफादार हेंचमैन 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 मेरे प्यारे भाई बहनों सुबोध जी हमारे हनुमान जी हेंचमैन थे और हम हिंदुस्तानी हेंचमैन हैं हिंदुस्तान के लिए आखिरी सांस तक मरेंगे नहीं बल्कि मारते रहेंगे आखिरी सांस तक वो दिन चला गया जब हम देश के लिए मरते थे अब वो दिन लौट आया है जब हम देश के लिए मारेंगे हम हिंदुस्तान के हिंचमैन हैं हर मैन हिंदुस्तान का हिंचमैन है हिंदुस्तान का वफादार है हिंचमैन अनुवाई वफादार हिंचमैन हनुमान जी राम जी के हिंचमैन थे हनुमान जी हनुमान जी राम जी के हिंचमैन थे और देखिए मैंने पहले भी कहा था कोई बात नहीं रिमूव नहीं हो सकती है फिर भी आप कहते हैं कि अगर रिमूव हुई है तो कोई दिक्कत है मुझे सही कर देंगे आप परेशान मत होइए अभी हमारे साथ ताल से ताल मिला के चलिए हिंचमैन हनुमान जी वफादार हनुमान जी राम के हिंचमैन थे राम के हिंचमैन थे और हनुमान जी ने राम और सीता को मिलाने के लिए पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया आजकल का बजरंग दल बजरंग का नाम लेते हैं हनुमान जी का भक्त कहलाते हैं और जहां राम सीता दिखता है फेब्रुवरी में पार्क में इकट्ठे प्रेम को जीते प्रेम को पीते वहीं पे डंडा बरसाने लगते हैं यह गंदी बात है ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए अगर बजरंग दल के हो तो फिर हनुमान जी के फिलॉसफी को फॉलो करो राम और सीता को रावण की तरह अलग ना करके हनुमान की तरह मिलाना चाहिए तभी आपको कहेंगे ये देखो हनुमान का हिंचमैन ये देखो हनुमान का हिंचमैन ये देखो हनुमान का हिंचमैन गेलॉप का मतलब घोरे की चाल गेलॉप 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 गला आप ढंग से पकड़ना गला आप हॉर्स का ढंग से पकड़ना नहीं तो गला आप जैसे पकड़ोगे वैसे गेलॉप करेगा आपका हॉर्स वैसे गेलॉप कर जाएगा गला आप ढंग से पकड़ना गेलॉप 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 गैलोप 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 स्क्रीम पे मतलब कंजूसी करना स्क्रिम्प 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 पे आइसक्रीम भी खिलाने में दादाजी आप क्या आइसक्रीम भी करते हो इस आइसक्रीम में क्या रखा है जो खिलाते खिलाने पिला रहे हो आप मुझे आइसक्रीम इस आइसक्रीम में क्या है जो आप खिलाने पा रहे हैं इस आइसक्रीम को खिलाने में भी आप दादाजी स्क्रिम 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 पे मत करो स्क्रिम स्क्रिम पे मत करो आइसक्रीम कंजूसी मत करो कैनिबल 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 जो लेटे हुए दिख रहे हैं आपको वो सब कैनिबल है वो सब के सब कैनिबल है वो सब के सब कैनिबल है वो सब के सब कैनिबल है कैनिबल 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 कैवलरी 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 केवल लड़ने वाले लोग ही कैवलरी में शामिल हो सकते हैं केवल लड़ने वाले लोग ही कैवलरी में शामिल हो सकते हैं घुड़सवार फौज कैवलरी 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 इलॉप इलॉप फरार हो जाना इलॉप इलॉप इलाप फरार हो जाना इलाप आजकल अपने प्रेमिकाओं के साथ इलॉप करने वाले लोगों की प्रजाति होम सिंह लुप्त हो चुका है एक वो दौर था जब अपने प्रेमिका को को लेकर लोग इलोप हो जाते थे वैसे लोग तो लुप्त हो गए हैं वैसे लोग तो लुप्त हो गए हैं वैसे लोग तो लुप्त हो गए हैं रोनी जी एंड वे विल 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 बिल्टी और यात्री सूची बिल्टी और यात्री सूची वे बिल वे जो बिल लेके घूम रहे हाथों में वे जो बिल लेके घूम रहे हाथों में उन्हीं के पास तुम्हारा वे बिल है उन्हीं के पास वे बिल है जाओ उनसे पूछो उन्हीं के पास वे बिल है आपको ले गया इलाज करवाने के लिए आपको मैं ले गया यूरोप लेकिन यूरोप में जाके भी सुबह जी आप कह रहे हो आई एम इन एशिया आई एम इन एशिया आई एम इन एशिया आई एम इन एशिया मैंने कहा यू आर नॉट इन एशिया यू आर सेइंग यू आर इन एशिया बिकॉज यू आर सफरिंग फ्रॉम एमनेशिया तुम भूल चुके हो तुम यूरोप आ चुके हो फिर भी कहते हो आई एम इन एशिया बिकॉज यू आर सफरिंग फ्रॉम एमनेशिया 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 नुमिज्मेटिस्ट 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 मुद्रा शास्त्री मुद्रा शास्त्री मुद्रा शास्त्री नुमिज्मेटिस्ट तुम वो आर्टिस्ट हो जो अपने मुद्राओं की नुमाइश करने आए हो तुम वो आर्टिस्ट हो जो अपने मुद्राओं को नुमाइश करने आए हो तुम नुमिज्मेटिस्ट हो तुम नुमिज्मेटिस्ट हो तुम नुमिज्मेटिस्ट हो तुम मुद्रा हो सरोरी साइड बहन की हत्या सरोरी साइड बहन की हत्या साइड बहन की हत्या साइड बहन की हत्या साइड बहन की हत्या सॉरी सॉरी साइड साइड सॉरी सॉरी साइड साइड सॉरी सॉरी साइड साइड आप साइड साइड बोलकर सॉरी सॉरी बोलकर आप बहन को साइड में ले गए और आपने कर दिया ऑनर किलिंग आपने बहन की हत्या कर दी साइड कर दिया आपने पिल फरेज लघु चोरी उठाई गिरी फिल पोर खुलेगी तुम्हारी आज फिर पोल खुल गई आज तुम पिल फरेज करते हो तुम पिल फरेज करते हो तुम लघु चोरी उठाई गिरी करते हो पिलफरेज करते हो पोल खुल गई आज तुम पिल फरेज करते हो पिल फरेज पोल फिर आज खुल गई पोल फिर आज खुल गई तुम पिल फरेज करते हो एंड ट्राइमरेट 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 तुम इतने विराट हो तुम इतने विराट हो तुम ट्राइम वरेट हो तुम इतने विराट हो कि तुम्हें तीन व्यक्ति भी नहीं हरा सकता है। मोटा भाई राजनाथ सिंह मोदी जी भी मिल जाए तो तुम्हें कोई हरा नहीं सकता तुमको ट्राइम वरेट भी मिल जाए ब्रह्मा विष्णु महेश भी आ जाए तो भी तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएंगे तुम इतने विराट हो तुम इतने विराट हो ट्राइम वरेट ट्राइम 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 स्टर तो हम लोग स्टपर स्टेप पर स्टेपल कल पढ़े थे पैरेबल 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 मतलब नीति कथा पैरेबल शॉर्ट मॉरल स्टोरी ऑफ विद एनिमल के साथ नहीं होता है बल्कि एनिमल के लिए तो हम फैबल का इस्तेमाल करते हैं जो एनिमल बेस्ड मॉरल स्टोरी होता है उसे कहते हैं फैबल एफ ए बी एल ई फैबल एफ ए बी एल ई फैबल 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 पैरेबल 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 पैरो के बल अन्ना हजारे कहां कहां नहीं गए हर जगह जा जाके सबको कहानी सुनाया गीत सुनाया सबको कहानी सुनाया मॉरल स्टोरी सुनाया एजुकेट किया ब्रेन वॉश किया और कहा हिंदुस्तान की हिंदुस्तान के लिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए तत्पर रहना चाहिए उन्होंने पैरों के बल चल चल के सबको पैरेबल सुनाया पैरों के बल चल चल के पैरेबल सुनाया पैरेबल सुनाया कभी पैरेबल सुनाया कभी फैबल सुनाया कभी पैरेबल सुनाया कभी फैबल सुनाया कभी पैरेबल सुनाया कभी फैबल सुनाया ओली गार्की ऑली की ओली गारकी ओली की ओली गार्की ओली की ओली गार्की ऑली की ओली गारकी ओली गार्की ओली गार्की ओली गार्की ऑली ओली अपने घर में औली कार का इस्तेमाल करती है ऑली के घर में जाओ सिर्फ और सिर्फ ऑली और उसके खसम का चलता है बाकी किसी का कुछ नहीं चलता है अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल हैविंग कंट्रोल ऑफ अ कंट्री हमारे देश में भी है ओली कहने को है डेमोक्रेसी लेकिन हमारे देश को चंद लोग चलाते हैं अभी तो मोटा भाई मोदी मिलके चलाते हैं इसलिए हम कहेंगे नो डेमोक्रेसी ओनली ओली गार की ओली ओली औली गार की ओली औली गार की ओली औली गार की ओली गार की बुगन विला बुगन विला वुगन विला 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 वन विला वुगन विला वुगन विला मैं भी मैं भी एक विला बनाऊंगा जी मैं भी एक विला बनाऊंगा प्रियंका जी और विला में एक बगान होगा और बगान में लहराता बुगन विला होगा बुगन विला होगा एक विशेष प्रकार का पौधा बुगन विला बुगन विला बुगन विला रैबल 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 मतलब बिलभीर वो भीड़ देखिए अ लार्ज ग्रुप ऑफ नॉइजी पीपल हुआ अभी जो दिल्ली में जो घटना घटी शाहदरा की तरफ जो भी घटना घटी अभी भाई बहन हमारे स्टूडेंट फंस गए और उन्होंने कहा कि सर में बाल बाल बचा मुझसे कार्ड मांगा गया दिखाओ तुम हो कौन पहचान पत्र मैं दिखाया मैं हिंदू था और वहां पे जो भाई लोग मौजूद थे वो भी हिंदू थे मैं बच गया अगर कोई और होता तो मैं आज कट जाता सर मैंने कहा रब रब मुझे इतना बल दे रब मुझे इतना बल दे कि मैं रैबल का सामना कर सकूं, रब मुझे इतना बल दे कि मैं इस रैबल का सामना कर सकूं, मैं इस रैबल का सामना कर सकूं, रब मुझे बल दे ताकि मैं रैबल का सामना कर सकूं सवनीर सौनीर सीर सवनीर सवनीर सौवीनर बानर को जब देखा मैंने सब बानरों को देखा एक तस्वीर ले लिया और स्वीनिर के रूप में घर लेके आ गया यादगार स्वनीर समथिंग केप्ट एज अ रिमाइंडर ऑफ एन इवेंट सब बानरों को देखा एक तस्वीर लिया सौ बानर भी थे और बानर में बनरी भी होगी और क्या मुहब्बत था सारे बानरों बनरू बनरी के बीच में सौ बानरों की तस्वीर लिया यादगार के रूप में घर ले आया फ्लाउंडर मतलब होता लड़खराना छट पटाना फ्लाउंडर 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 जैसे गया फल अंदर जैसे गया फल अंदर हमारे कदम करने लगे फ्लाउंडर हमारे कदम करने लगे फ्लाउंडर 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 अरे यह सोनेट 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 चौदह पंक्तियों की कविता शेक्सपियर के पहले ये सोलह पंक्ति का हुआ करता था शेक्सपियर ने कहा क्या से शेक्सपियर बारह चौदह पंक्तियों का सोनेट बनाएगा पहले चार चार की चार स्टेंजा होते थे अब सिर्फ चार 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 और आखिरी में दो उसे कहते हैं सोनेट अब तो आप शेक्सपियर ने करीब एक फिफ्टी टू सोनेट लिखा उन्होंने लेकिन अब तो आप सौ सोनेट एक दिन में लिख सकते हो नेट पे बहुत सारे सोनेट होंगे सौ नेट सौ सोनेट नेट से निकालो और लिखना शुरू कर दो सोनेट 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 मिलिनर 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 बिल्कुल सही कहा आपने मिलीनर 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 हमारे इंस्पेक्टर अखिलेश कुमार इंस्पेक्टर बनने से भाई बहने हो ये मिलीनर थे ये मिलीनर थे ये महिलाओं का टोपी बेचते थे लेकिन टोपी बेचते बेचते एक मुन्नी से मुलाकात हुई और मुन्नी कहती है कि अखिलेश अब तुम मिलीनर नहीं अब तुम मिलीनियर बनोगे क्योंकि तो मुन्नी को तुम पसंद आ गए हो अब मुन्नी तुम्हें घर ले जाएगी और ये आज का मिलिनर कल मिलेनियर, मिलेनियर बन जाएगा कल मिलेनियर बनेगा एक वो दिन था एक आज का दिन है हमारे इंस्पेक्टर अखिलेश जी अब मिलेनियर हो गए हैं अब मिलीनियर नहीं रहे स्ट्रट मत कर, कर चलना बहुत सारे लोगों को देखेंगे गली में तो ऐसे चलते हैं इतराते हुए कि दो चार लोग तो घायल हो जाते हैं चाल को देखकर और दो चार लोग के अंदर अकर्ष आ जाती है कि ये किस बात पे इतरा रहा इतरा रही है इस ट्रट इस तरह से तुम रट रट के रट रट के इस तरह के रट रट के तुम चीजों को गलियों में क्या दिखा रहे हो ये तुम स्ट्रट कर रहे हो तुम्हें स्ट्रट कर रहे हो ऐसे तुम जो रटे हो वो अपने घर तक रहो लेकिन तुम जो घर में रटते हो और गली में आके उसे सुनाते हो और सुनाते ही नहीं हो बल्कि स्ट्रट करते हो अकर कर चलते हो स्ट्रट मतलब स्टीफ इरेक्ट एंड अपरेंटली एरोगेंट एंड कंसीटेड गेट गेट का मतलब होता है चाल गेट आप कॉलेज के गेट पर बैठकर आते जाते लोगों का गेट देख रहे हो आते जाते लोगों का गेट देख रहे हो आपको भी शायद दिखे अब दिख जाए जी आई गेट 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 आप मत करो स्ट्रट मत करो स्ट्रट हजार वोट को रट के आप गली में करते स्ट्रट हिपोड्रम हिपो हिपो हिपोड्रम हिपो, ड्रम. हिपोड्रम ड्रम का मतलब घुड़दौर का मैदान हिपोड्रम ड्रम का मतलब घुड़दौर का मैदान भाई बहनों हिपोड्रम ड्रम हिपोड्रम ड्रम हिपोड्रम ड्रम हिप ड्रम हिप ड्रम 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 घुड़दौर का मैदान हैप्पी हमारा आज ड्रम बजाएगा हैप्पी हमारा आज ड्रम बजाएगा हैप्पी हमारा आज ड्रम बजाएगा क्योंकि हैप्पी का हॉर्स भी उस घुड़दौड़ में शामिल हो रहा है घुड़दौड़ के मैदान में पहुंचा है इसलिए हैप्पी आज ड्रम बजाएगा हिप्पो ड्रम में जाके हैंसम जो लोग होते हैं हैंसम साईराम, जो लोग होते हैं हैंसम जो लोग होते हैं हैंसम भाइयों बहनों वो इस्तेमाल करते हैं जो होते हैं हैंडसम इस्तेमाल करेंगे हैंडसम जो होंगे हैंडसम इस्तेमाल करेंगे हैंडसम एंड जंटा 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 जनता कहने को पाकिस्तान में जनता की सरकार है वहां सैनिक की सरकार है कहने को जनता की सरकार है वहां तो सैनिक सरकार है सैनिक सरकार है अलुमनी का मतलब होता है एक्स स्टूडेंट ऑफ एन इंस्टीट्यूशन अलुमनी अलुमनी ऑल मुन्नी ऑल मुन्नी नाउ बिकेम अलुमनी अलूमनी अलुमनी एलुमनाई भी कहते हैं एलुमनाई एलुमनाई ऑल मुन्नी ऑल मुन्नी हो गई है एलुमनी अलु, एलूमनी एलूमनी एलुमनी एलूमनी एलूमनी एल्यूमस सिंगुलर होता है एलुमनाई होता है मैंने तो कल हमने पढ़ाई था पनेजरिक गुणगान पनेजरिक 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 इस दुनिया में वाकई सारे तीन प्रकार के लोग होते हैं पनेजरिक 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 ऑल मुन्नी वेरी गुड मिलिट्री गवर्नमेंट वेरी गुड वेलोड्रम मतलब साइकिलिंग का जो ट्रैक बनाता है वो स्टेडियम जहां साइकिलिंग होती है ना उसे वेलोड्रम कहते हैं वेलोड्रम पनेजरिक 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 गुणगान करना पनेजरिक पनेजरिक पांडे जी आप रिक्शा चलाओगे तो आपको गुणगान नहीं मिलेगा आपको गुणगान नहीं मिलेगा पनेजरिक पेन जी एक पेन मिला एक जी सिने अवार्ड मिला और जब से पेन और जी सिने ने अवार्ड मिला है मुझे तब से हर जगह मेरी पनेजरिक होती है एक पेन और एक जी सिने ने अवार्ड मिला मुझे पनेज्रिक, पनेज्रिक, पनेज्रिक मिलता है। हर जगह गुणगान किया जाता है मतलब स्पीच और अ पी। पीस ऑफ राइटिंग डेट प्रेजेज़ समवन और समथिंग इसे कहते हैं पनेजरिक 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 प्लेगरिस्ट साहित्यिक चोरी प्लेगियरिस्ट प्लेगियरिस्ट प्लेगियरिस्ट

प्लेगरेस्ट 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 स्कैवेंजर 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 मेहतर स्कैवेंजर 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 आपने एक मूवी देखा होगा अवेंजर अवेंजर जब दूसरों के साथ अन्याय होता है तो लोग आते हैं कौन अवेंजर आते हैं स्कैवेंजर का हिंदुस्तान में जो दुर्दशा भाई बहनों इसीलिए तो अवेंजर आया स्कैवेंजर को बचाने के लिए लाया गया किसको अवेंजर को लाया गया स्कैवेंजर को बचाने के लिए स्कैंजर फॉर एंड फॉर एंड आइटम उसे कहते हैं स्केवेंजर स्कैवेंजर किसी चीज को बेहतर करने के लिए अवेंजर को लाया गया हल को लाया गया कैप्टन अमेरिका आयरन मैन इन सब को लाया गया थॉर भी आया था इसकेवेंजर को बचाने के लिए प्रथमेश बहुत ही सुंदर ड्यूट का मत युगल गीत प्रथमेश जब पहली बार इंस्पेक्टर बने मुंबई उनकी पोस्टिंग हुई और प्रथमेश और प्रथमा दोनों साथ साथ बैठते थे दोनों को प्रेम हुआ और प्रेम हुआ दोनों पहुंचते थे साथ साथ बैठते थे ड्यूटी करते थे ड्यूटी कम ड्यूट ड्यूट ज्यादा करते थे ड्यूटी कम ड्यूट ज्यादा करते थे युगल गीत दोनों मिलकर बस गीत गाते थे दोनों मिलकर गीत गाते थे अब की बरस सावन में ड्यूट कभी प्रथमा गा रही है तो कभी प्रथमेश गा रहा है वो ड्यूटी कम और ड्यूट ज्यादा होता था वहां पे ऑफ आफत मोल ले लिया है आपने आंख रोग विशेषज्ञ आफत मोल ले लिया आपने आफत मोल ले लिया आपने आफत मोल ले लिया आपने आपको ऑफ्थेलमोलॉजिस्ट से पंगा नहीं लेना चाहिए आपने आफत मोल ले लिया है अब आपकी आंख की रोशनी धीरे धीरे गायब हो जाएगी एक्वेरियम मछली घर आपने कई बार सुना होगा एक्वेरियम सेरिनेड प्रेमिका के समर्पण में गाया गया गीत सेरिनेड 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 जी जब सारे नींद में होते हैं जब सारे नींद में होते हैं एक प्रेमी अपने प्रेमिका के लिए खिड़की के पास आके लैडर लगा के खिरकी के पास आके क्या सुनाता है जो सुनाता उसे सेरिनेड कहते हैं क्योंकि सारी नींद में जब होते हैं तभी यह गीत सुनाया जा सकता है ताकि कोई डिस्टरबेंस नहीं हो बस वो वो और बस संगीत का माहौल रह जाए उसे कहेंगे सेरिनेड सेड सेड टाटर 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 जो लोग होते हैं टाटर करते हैं टॉर्चर टाटर करते हैं टॉर्चर अरे दादाजी आप टर करते जा रहे हो इसलिए लोग आपको कहते हैं टाटर आप टाटर हो गए हो शॉर्ट टेम्पर्ड बैड टेम्पर्ड हॉट टेम्पर्ड हो गए हो टाटर 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 और मिंग्स का मतलब अपने सौंदर्य पुरुष को मोहित करने वाली स्त्री मुझे विश्वास है कि हमारे राम रहीम को हमारे आशाराम को भी मिंग्स मिली होगी मिली होगी मनमोहिनी होगी और मोहित करके आशा राम और राम जेल पहुंचा दी वो जेल पहुंचाने वाली महिला कोई और नहीं मिंग्स 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 जो मिंग्स होती है वो आसानी से किसी के साथ भी मिक्स हो जाती है और उसके बाद अपना जादू चलाती है उसे कहते हैं मिंग्स और जरिए और शब्द आपने देखा होगा यह है जिंक्स जिंक्स का मतलब जिंक्स का मतलब भाई बहनों, पनौती जिंक्स का मतलब पनौती अरे तुम मिंग्स ही नहीं तुम जिंक्स हो जब से जीवन में आई हो जीवन का बिल्कुल बंटाधार हो गया है मिंग्स और जिंक्स मिंग्स और जिंक्स आइए बात करते टफ हो गया है ईब टफ हो गया है अब समाधि लेख लिखना अब लोग उतने अच्छे अच्छे कर्म करके जाते नहीं तो समाधि पे मैं क्या लिखू क्या लिखू समाधि पे ईब टफ हो गया है अब एपिटेफ लिखना संभव नहीं है एपिटेफ लिखना संभव नहीं है ईब टफ हो गया है अब टफ हो गया है एपिटेफ लिखना समाधि लिख क्या लिखू दादाजी अ शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग अबाउट अ डेड पर्सन ज में स्ट्राइसिस में आत्मसंयम गामनी जी बिल्कुल आप सही कह रही हैं देखिए मैं भी कॉफी भूल जाता हूं रोनी जी पनौतीस कहते हैं जिसे एक बार देख लो ना तो पूरा साल खराब हो जाता है उसे जिंक्स कहते हैं उसे पनौती कहते हैं स्ट्राइसिस में सारे स्टॉक को सीज कर दिया गया है सारे स्टॉक को सीज कर दिया गया फिर भी भाई बहनों मेरा आत्मसंयम कम नहीं हुआ स्ट्राइसिस में इन टू प्लेजर एंड पेन न दुख में दुखी न सुख में सुखी स्ट्राइक 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 लिंबो लिंबो अनिश्चित की इन इन इन, इन लिंबो अनिश्चित की स्थिति में होना लिंबो 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 निबुरा 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 निबूरा निबुरा आपने देखा है कि सुना होगा आपने हम दिल दे चुके सनम ए निबूरा नींबू निम्बु नींबू बोल बोल के सलमान खान की करियर को शादीशुदा जीवन को कहां डाल दिया लिंबो में डाल दिया त्रिशंकु की स्थिति हो गई न स्वर्या मिली न वो मिला उन्हें आज भी लिंबो की स्थिति में लाख खड़ा कर दिया है लिंबो 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 अरे हमारे लंबू का भी करियर लिंबो में है हमारे लंबू का भी करियर लिंबो में है अभिषेक बच्चन को फिल्म ही नहीं मिल रही है क्या करोगे अब अभिषेक बच्चन कहता है डेड आई एम लंबू एंड नाउ माय करियर इज इन लिंबो 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 टॉप सीटर भी 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 अस्त व्यस्त अस्त व्यस्त टॉप सीटर भी टॉप सीटर भी तब से वो तरपती जा रही है तब से तरप रही है वो क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड ने उसके जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है टॉप सीटर भी कर दिया है तब से तरपती जा रही है तब से तरपी जा रही है तब से तरपी जा रही है तर, तौपसी तर्वी, तौपसी तर्वी, तौपसी तर्वी। से टॉप 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 सी 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 जब बॉयफ्रेंड ने उसके जीवन को टॉप सीटर भी कर दिया है तब से तरपती जा रही है कोई आए उसे बचा जाए कोई आए उसे बचा जाए उसका जीवन बिल्कुल टॉप सीटर भी हो गया है टॉप सीटर भी हो गया है अब फुट का मतलब जानते ही फुट अब वो फुट पे आ गया अब वो फुट पे आ गया अब वो सक्रिय हो गया अब वो चलने लगा अब वो चालू हो गया अफुट फुट अफुट फुट अफुट फुट अब वो फुट पे आ गया अब फुट हो गया अब वो फुट पे आ गया फुट हो गया ईएन का मत अनंत काल आप जान के हैरान होंगे पीएन था अनंत काल से पीएन था मैं पीएन था इन ईएन इन इन पीएन 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 पी ये पी 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 तो आप लोग की मेहरबानी है कि मैं आज टीचर हो गया अदरवाइज हमें पियन हुए हो गया हमें पियन हुए पियन समझते ना पियन पीएन होने हमें इन हो गया अनंत काल क्लाउड का मतलब प्रभाव क्लाउड ऑन फूड इज एक्ट वेरी गुड मैसो जी क्लाउड 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 भाई बहनों अगर आपके पास भी है क्लाउड क्लाउड का मतलब प्रभाव खासकर राजनीतिक प्रभाव इन्फ्लुएंस और पावर स्पेशली स्पेशली इन पॉलिटिक्स और बिजनेस क्लाउड 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 अगर आपके पास है क्लाउड सुबो जी आप जेल से कभी भी हो सकते हैं आउट आपने देखा होगा जब कांग्रेस के पास थी क्लाउड बाबा रामदेव को सलवार सूट पहना के दिल्ली से कर दिया था आउट और क्लाउड का एक और मतलब होता तो है जोरदार तरीके से हाथ से प्रहार करना ढाई के जी का हाथ जब लगता है तो लोग उड़ते नहीं उड़ जाते हैं इसे भी कहते हैं क्लाउट 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 बैशन 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 बैसन 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 का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग होल्ड बैशन एक और मतलब होता है स्ट्रॉन्ग होल्ड गढ़ छावनी बैश्चन बेस्टन बेस्ट बैशन बस्ती 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 हर बस्ती को हर बस्ती को केजरीवाल ने बेस्टन बना दिया हर बस्ती को केजरीवाल ने बेस्टन बना दिया अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड बना दिया अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड बना दिया इसलिए तो दिल्ली केजरीवाल का बेस्टन हो गया हर बस्ती को हर बस्ती को हर बस्ती को बेस्टन बना दिया स्ट्रॉन्ग होल्ड बना दिया पूरा दिल्ली उनका बेस्टन हो गया स्ट्रोंग होल्ड हो गया क्रिग ब्लिट्स क्रिग ब्लिट्स क्रिग 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 ब्लिट्स क्रिग ब्लिट्स क्रिग ब्लिट्स क्रिग ब्लिट्स क्रिग 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 ब्लिट्स ब्लिट्स क्रिग बेटे से किंग ने पूछा बेटे से किंग ने पूछा बेटे से किंग ने पूछा बेटा चाइना पे फौजी हमला हुआ कि नहीं हुआ है बेटे से किंग ने पूछा कि बेटा चाइना पे हम हमला हुआ कि नहीं हुआ ब्लिट्स क्रिग ब्लिट्स क्रिग ब्लिट्स क्रिग बेटे से किंग बेटे से किंग बेटे से किंग ने पूछा बेटा ब्लिट्स क्रिग कर दो चाइना पे हमला कर दो ब्लिट्स क्रिग कर दो ब्लिट्स क्रिग कर दो ब्लिट्स क्रिग कर दो चाइना पे फौजी हमला कर दो अन ओरिगामी 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 का मतलब होता है कागज को मोड़कर चिड़िया आदि बनाने की जापानी कला ओरिगामी कलाता है अरे ओरिगामी 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 अरे आपने देखा शिवगामी को आपने शिवगामी के बारे में सुना है शिवगामी जो हमारी शिवगामी थी उसके पास कमाल का कला था वो ओरिगामी में बहुत एक्सपर्ट थी और इगामी में एक्सपर्ट थी वो वो हमारे शिवगामी और इगामी में क्या वो चिड़िया बनाती थी चिड़िया बना बना के बना बना के बाहुबली और भल्लाल देव को बड़ा कर दी हमारी शिवगामी थी और इगामी में निपुण थी और इगामी और इगामी और इगामी और इगामी और शिवगामी और हमारे शिव गामनी जी भी हैं वो भी कमाल की और जानती हैं गामनी ने शिव गामनी बहुत ही सुंदर शिव गामी लप साइड लपी 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 साइड भेड़ियों की हत्या सरोरी साइड सिस्टर की हत्या लपी साइड प्रियंका जी क्या शिवगामी बाहुबली के लिए सीखी थी क्या और गामी सीखी थी बाहुबली के लिए बाहुबली को कागज कर चिड़िया पसंद था इसलिए शिवगामी ने कहा डोंट वरी सन आई विल लर्न और गमी यह है लपी 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 साइड लपी 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 साइड लपी 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 साइड आप ऐसा है आप साइड में जाइए लप्पी पप्पी सप्पी लेके आइए मैंने सारे भेरियो की हत्या कर दिया है आप साइड में जाइए और पप्पी लहरी से मिलके आइए पप्पी लहरी को पप्पी लेके आइए और क्योंकि अब साइड में आप जा सकते हैं साइड में जा सकते हैं पप्पी दा से मिलने के लिए आप पप्पी दा से मिलने के लिए साइड में जा सकते हैं क्योंकि हमने सारे भेरियो की हत्या कर दी है सारे भेरियो की हत्या कर दी है इसलिए आप पप्पी दा से आप जाके मिल सकते हैं साइड में क्योंकि अब साइड में नहीं रहा सबकी हत्या हो गई है तो लपी साइड लपी 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 साइड लपी 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 साइड अगर साइड में पपीदा से मिलना है तो अब जा सकते हैं क्योंकि अब साइड में कोई भेरिया नहीं रहा सबको लपी साइड कर दिया गया है फुट नोट तो जानते हैं आप फुट मतलब नीचे नोट मतलब जब पेपर के नीचे जब कुछ लिखते हैं उसे फुट नोट कहते हैं एन एक्स्ट्रा पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज प्रिंटेड एट बॉटम ऑफ अ बुक इन अ पेज उसे फुट नोट कहते हैं कंप्यूटर में तो बार बार आता है होकस पुकस, होकस, पुकस, होकस, पुकस। भाई बहनों ये जो पॉलिटिशियन है मेन मुद्दा से आपके फोकस को हटाने के लिए मेन मुद्दा से आपके फोकस को हटाने के लिए होकस का इस्तेमाल करते हैं होकस का इस्तेमाल करते हैं ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जिसे सत्य छुट जा छुप जाए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे जिसे शब्द सत्य छुट जाए छुप जाए उसे होकस फोकस कहते हैं होकस फोकस कहते हैं तो आप आपका फोकस चेंज करने के लिए वो इस्तेमाल करते हैं हुकस पुकस। क्या लिखा हुआ है और लैंग्वेज और बिहेवियर दैट इज नॉन सेंस इज इंटेंडेड टू हाइड द ट्रूथ फ्रॉम पीपल सारे पॉलिटिशियन होकस पोकस का इस्तेमाल करते हैं ताकि आपका फोकस मेन मुद्दा से हट जाए और मैं मानता हूं हमारे मोदी जी कमाल का होकस फोकस इस्तेमाल करते हैं पार्लान पार्लांस पार्लांस पार्लांस, पार्लांस।, पार्लांस जो खास ग्रुप में खास प्रकार की जो भाषा का इस्तेमाल होता है उसे कहते हैं बोलचाल, बोलचाल, बोल चाल पार्लांस कहते हैं पर, पर लोन से तुम्हारी समस्या का समाधान नहीं होगा पर लोन से पार्लांस खास ग्रुप में खास प्रकार की बोले जाने वाली भाषा को पार्लांस कहते हैं भाई बहनों पार्लांस पर लोन से तुम्हारा काम चलने वाला नहीं है पर लोन से काम चलने वाला है नहीं क्योंकि तुम्हें कॉमन पार्लांस का कोई ज्ञान नहीं है कॉमन पार्लांस का ज्ञान नहीं है तो लोन लेकर भी तुम यहां व्यवसाय नहीं कर सकते हो लोन लेकर भी यहां व्यवसाय नहीं कर सकते हो क्योंकि तुम्हें कॉमन पार्लान्स नहीं आता है यहां के लोग जो इस भाषा का इस्तेमाल करते हैं उसमें तुम बिल्कुल अडिप्ट नहीं हो यू आर नॉट गुड एट कॉमन पार्लांस कॉमन पार्लान्स ये बेसिकली इस्तेमाल होता है एंड बैड लैंड्स अनउपजा मिट्टी तो जैसा बैड लैंड्स ऐसा जमीन जो बुरा हो जमीन बुरा कैसे होगा अनुपजा के नहीं देगा आप कहोगे बैड लैंड्स उपजाऊ अनुपजाऊ मिट्टी स्पेट मतलब अच्छा स्पेट अरे क्या बताऊं एक दिन पार्टी गया था पार्टी में भरपूर पी लिया भरपूर खा लिया और इस पेट से इस पेट से भरपूर उल्टी का बौछार कर दिया इस पेट से उल्टी का स्पेट कर दिया बौछार कर दिया यार इस पेट से तो उल्टी का बौछार ही आया है स्पेट 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 बिल्कुल सही कह रहे हैं स्पेट 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 बौछार स्पेट मतलब होता है लार्ज एरियाज ऑफ नहीं स्पेट स्पेट ये है लार्ज नंबर ऑफ थिंग्स डेट अपियर और हैपन इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम स्पेट 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 से फटाफट सारे जलेबी पूरी पूरी गोलगप्पे मटन सटन सब निकल गया इस पेट, इस पेट, इस पेट, फेट फेट, मतलब होता फेट 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 अरे जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ चंदू की मम्मी तैयार हो जाओ नहीं तो फेट में पहुंचने से पहले हम लेट हो जाएंगे फेट में फेट में हम लेट हो जाएंगे फेट में हम लेट हो जाएंगे इसलिए जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ नहीं तो फेट पहुंचते पहुंचते लेट हो जाएंगे फेट पहुंचते पहुंचते फ्यू वेरी गुड हम लेट हो जाएंगे हम लेट हो जाएंगे नेहा जी माफ़ करेंगे अगर हम आपके जैसे आपके विचारों पर चलने लगेंगे तो फिर पढ़ाना खत्म हो जाएगा इसलिए थोड़ा सा प्लीज़ मत बोलिए थोड़ा खुद भी मेहनत कीजिए खुद भी थोड़ा सा आप मेहनत कीजिए हम मेहनत करेंगे हम आगे बढ़ जाएंगे और नेहा छोटी बहन वहीं की वहीं रह जाएगी इसलिए कुछ आप याद कीजिए कुछ हम आपको याद करवाते हैं तो अब ज्यादा मजा आएगा ज्यादा सीखेंगे इतना काम बनिए। फेट 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 मतलब उत्सव मार्की 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 मार्की, मार्की मार्की, मार्की मार्की, समियाना समियाना मार्की, मार्की, समियाना मार्की समियाना, माकी माकी साइलेंट भी कर दिया जाता है माकी माकी इसे माकी भी कहते हैं मां की जब शादी हुई थी मां की जब शादी हुई थी तो हमारे नाना जी ने कमाल का सम्यना लगाया था मां की शादी हुई थी सम्यना कमाल का था कमाल का सम्यना लगाया था पापा जी बताते हैं मैं तो था नहीं लेकिन नाना जी कहते हैं पापा जी कहते हैं तुम्हारे नाना जी ने मां की शादी पे कमाल का सम्यना लगाया था ब्रंज तो जानते हैं लंच और ब्रेकफास्ट के बीच में अगर आपने कुछ लिया ना वो बन जाएगा ब्रंच नाश्ते खाने को साथ खाना ब्रंच 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 बेक्वेट मतलब होता वसीयत में देना बेक्वेट मतलब होता वसीयत में देना बेक्वेट का मतलब वसीयत में देना बेक्वेट का मतलब वसीयत में देना बेक्वेट 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 वरवे वसीयत में देना बेक्वेट जो भी बेकार था बेकार था बेक्वेट कर दिया बेकार था बेक्वेस्ट कर दिया बेकार था बेक्वेस्ट कर दिया दादाजी ने जो भी बेकार था प्रॉपर्टी हमें दे दिया जो भी बेकार था प्रॉपर्टी हमें दे दिया बेक्वेस्ट कर दिया जो भी बेकार था हमें बेक्वेस्ट कर दिया जो भी बेकार था बेक्वेस्ट कर दिया जो भी बेकार था बेक्वेस्ट कर दिया बाकी अच्छे अच्छे प्रॉपर्टी को किसी और को दे दिया स्टेचर इज्जत और रुतबा स्टेचर अरे सर आप जिस स्टेचर से बिलोंग करते हो जो कदकाठी है आपका उसके घर में ऐसा फर्नीचर शोभा नहीं देता है ऐसे इज्जत और रुतबा वाले के घर में ऐसे स्टेचर वाले लोगों के घर में ऐसा फर्नीचर राम 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 ये आपके स्ट्रेचर को शोभा नहीं देता है क्या ऐसे फर्नीचर का इस्तेमाल करें स्ट्रेचर 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 बेकार है फर्नीचर ये आपके स्ट्रेचर को शोभा नहीं देता एंड बिकन 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 बी बिकन 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 बिल्कुल सुबह जी सही कहना वसियत में देना गिवन बाय विल बीकन 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 बीबी कौन बीबी कौन बीबी अरे कौन बीबी तुम्हारे लिए बीकन है चार चार बीबी लेके आए हो बताओ तो सही कौन बीबी तुम्हारे लिए बीकन का काम करती है संकेत दीप है जिसके सहारे लाइट डेट इज प्लेस्ड समवेयर टू गाइड एंड वार्न देम ऑफ डेंजर बीबी कौन बीबी कौन तुम्हारी बनी बीकन बीबी कौन बनी बीकन बीबी कौन बनी बीकन जो तुम्हें लाइट दिखाती है प्रकाश देती है पथ पथ प्रशस्त करती है मार्गदर्शन करती है बीकन 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 प्रोपीस अनुकूल शुभ प्रोपीस प्रोपीसस प्रोपी प्रोपी प्रोस प्रोपीसस देखो प्रॉपर्टी 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 ये प्रॉपर्टी खरीदने का अनुकूल वक्त है ये प्रॉपर्टी खरीदने का प्रोपिसस मोमेंट है ये प्रॉपर्टी खरीदने का अनुकूल ये अनुकूल वक्त है प्रोपिसस 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 सारे शब्दों की ऐसी की तैसी कर दो इतने भागों में बांट दो कि खुद ही ये समझ द... समझ को समझ में ना आए कि आखिर मेरा मतलब क्या है इतने भागों में बांट दो आपके लहू में घुलने लगे बार बार बोलकर बाई लाइन तो जानते हैं नाम पंक्ति भाई 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 एक लाइन बना देना जहां आर्टिकल के नीचे बाई लाइन का मतलब लाइंस इन द न्यूजेपर नेमिंग द राइटर ऑफ द आर्टिकल नेमिंग द राइटर ऑफ द आर्टिकल उसे बाई लाइन कहते हैं मेरा भाई ने एक लाइन बनाया उसे बाई लाइन कहते हैं उसी आर्टिकल के नीचे मेरा नाम, नाम मतलब, ना था रोस्टर तो जानते हैं आप कल एक वर्ड बताया था नेहा जी आपको याद होगा रोस्टर लोस्टर का मतलब होता तरीके से मनाना मतलब पेंट द और इसमें आई हटा दिया बन गया रोस्टर रोस्टर सिस्टम समझते हैं आप रोस्टर रोस्टर मतलब होता है जिसमें टर्न बाय टर्न लोग काम करते हैं टर्न्स ऑफ ड्यूटी और इंडिविजुअल्स और ग्रुप इन एन ऑर्गेनाइजेशन रोस्टर सिस्टम पे काम करते हैं छे दिन आप आइए छे दिन हम आएंगे रोस्टर ये बहुत ही कॉमन वर्ड है रोस्टर 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 रोस्टर, रोस्टर, रोस्टर। पेरोल भी जानते बहुत कॉमन वर्ड है पेरोल का मतलब होता है कंपनी का आप बहुत सारे कंपनी ज्वाइन करेंगे तो कहेंगे सर मैं एच डी एफ सी के पेरोल पे आप आ चुका हूं पहले आपको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रखेगी फिर बाद में वो अपने पेरोल पे शामिल पे कर लेगी आप डायरेक्ट आपको सैलरी देगी हाँ रोज रोस्टर है बिल्कुल रोज रोस्टर है रोज रोस्टर सागा सागा मतलब गाथा ट्यू इवेंट्स आपने सुना होगा लेडी गागा लेडी गागा के बारे में आपने सुना होगा लेडी गागा के बारे में सुना होगा उनकी सागा के बारे में भी सुना होगा लेडी गागा का कमाल था सागा प्रेम रोग आपने सुना होगा एक मूवी आई थी गदर गदर मचा दिया था वो भी किसी के प्यार का सागा था प्यार का सागा लेडी गागा का भी सागा था गाथा था लेडी गागा का भी सागा लेडी गागा का भी सागा एंड रिगम रोल रिगम रोल रिगम रोल रिगम रोल रिगम रोल एक ऐसा प्रोसेस जो निरस और निरर्थक प्रक्रिया हो रिगम रोल बिल्कुल सही कहा ऑफिस में रोस्टर आते हैं सागा भी गाथा सुनाता वेरी गुड रिगम रोल 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 का मतलब होता है नीरस एक ऐसा प्रक्रिया जो नीरस वो निरर्थक हो जाता है अंग्रेजी में देखिए क्या कहता है लॉन्ग कॉम्प्लिकेटेड एंड अनोइंग प्रोसेस और डिस्क्रिप्शन रागनी एमएमएस रागनी एमएसएस में कैसे कैसे लोगों को रोल दिया जा रहा था रागनी एमएसएस एमएमएस में रोल देने की जो प्रक्रिया थी वह रिगम रोल हो चुका था रागनी एमएस में रोल देने की जो प्रक्रिया थी किसी को किस कौन रोल मिलेगा वह रिगम रोल हो चुका था बिल्कुल निरस और निर्थक प्रक्रिया बन चुका था वैंड का मतलब छड़ी वैंड 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 जब जादूगर का घूमता है वैंड अच्छे अच्छे लोगों की बजाती है बैंड जब जादूगर का घूमता है हवा में वैंड 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 अच्छे अच्छे लोग का बजाता है बैंड 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 जब घूमेगा वैंड सबकी बजेगी वैंड सबकी बजेगी बैंड जब घूमेगी वैंड वैंड मत जासूसी करना स्नूप 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 सुनो सुनो अनुपनो सुनो अनुप अनूप जासूसी करता है सुनो अनूप जासूसी करता है सुनो अनूप जासूसी करता है सुनो अनूप स्नूप करता है सुनो अनूप स्नूप करता है सुनो अनूप स्नूप करता है सुनो अनूप सुनूप करता है जासूसी करता है जासूसी करना दिन 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 में तो कोलाहल ही होता है डाइन एंड बसल कहते हैं डाइन एंड बसल दिन में तो कोलाहल ही होता है दिन हर दिन कोलाहल से भरा होता है हर दिन हमारा कोलाहल से भरा होता है हर दिन हमारा कोलाहल से भरा होता है का मतलब कुलाहल एंड रॉक 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 बॉटम मतलब बिल्कुल नीचे निम्न रॉक धरती के नीचे सब नीचे सबसे क्या रॉक है पहले पानी निकलेगा फिर तेल आएगा रॉक तो रॉक नीचे है और नीचे मतलब क्या? जहां तो है, तो का मतलब, मतलब लोएस्ट पॉसिबल लेवल रॉक बॉटम हिट द रॉक बॉटम मतलब बल निम्न स्तर पे आ जाना सबसे लोएस्ट लेवल पे आ जाना रॉक बॉटम मतलब विभिन्न हमारे देश में सुंदरियां आ रही हैं संदरी कंट्री से संदरी संदरी कंट्री से सुंदरियां आ रही है विभिन्न विभिन्न कंट्रियों से सुंदरियां आ रही है सुंदरी आ रही है संदरी कंट्री से सुंदरी आ रही है संदरी कंट्री से अरहन फोबिया अरहन फोबिया अरहन फोबिया अरहन अरहन फोबिया अरहन फोबिया अरहन फोबिया अरहन फोबिया अरे अरे, अरे 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 भाई हेन को देखो हेन को देखो ये मेन से डरती है इस हेन हेन को को देखो देखो अरे ये तो मेन से डरती है अरे हेन को देखो ये मेन से डरती है एक बार एक हेन को किसी मेन ने आई लव यू बोल दिया था तब से भाई बहनो उस हेन को अरेन फोबिया हो गया अरेहन फोबिया हो गया अरेहेन फोबिया हो गया पुरुषों से डर लगने लगता है हमें थप्पड़ से नहीं बाबूजी हमें प्यार से डर लगता है हमें प्यार से डर लगता है एंड पॉलिट ब्यूरो पॉलिट ब्यूरो पॉलिट पॉलिटिक्स और ब्यूरो पॉलिटिक्स और ब्यूरो पॉलिटिक्स और ब्यूरो पॉलिटिक्स ब्यूरो मतलब राजनीति ब्यूरो ब्यूरो ब्यूरोक्रेटिक होता है ना तो राजनीतिक विभाग इसे कहते हैं पॉलिटी पॉलिट मतलब पॉलिटिक्स ब्यूरो तो पॉलिट ब्यूरो मतलब होता है पॉलिट ब्यूरो पॉलिट मतलब मेन ग्रुप ऑफ पीपल इन कम्युनिस्ट गवर्नमेंट हु मेक डिसीजन अबाउट पॉलिसी उसे कहते हैं पॉलिट ब्यूरो पॉलिटिकल पार्टी में भी गवर्नमेंट में भी ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम होता है उसे कहते हैं पॉलिटिन कम्युनिस्ट गवर्नमेंट में पॉलिट ब्यूरो आज ये नगर का केंद्र है नकर ने गलत का केंद्र नगर का केंद्र नगर का केंद्र डाउन टाउन डाउन टाउन डाउन टाउन नगर का केंद्र है डाउन टाउन है? है, है अरे क्या बताएं हम जब भी जब भी मैंने सुना है कि वो टाउन जा रहा है टाउन जा रहा है और टाउन में कहा बिल्कुल नगर के केंद्र में जाता है क्यों क्योंकि वहां पे जाके वो डाउन हो जाता है तो चार खंबा खाली करता है और डाउन हो जाता है जहां जहां पे पे टाउन का वो जगह जहां पे लोग जाते हैं दो तो चार खंबा लगाते हैं और डाउन हो जाते हैं उसे डाउन टाउन कहते हैं नगर का केंद्र कहते हैं आप भी चलो डाउन टाउन वहां पे दो चार खंबा खाली करेंगे और डाउन हो जाएंगे वहीं पे एक मतलब होता है जीवन मुश्किल से निर्वाह करना इक आउट का मतलब होता है एक आउट इक आउट वंस लाइवलीहुड मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती और बिना कुछ के यूं ही जय जयकार नहीं होती एक आउट वंस लाइवलीहुड एक इक, 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 इक। इक, इक का खेती करता हूं बाबूजी इक का खेती करता हूं मैं ईख का खेती करता हूं और अपना लाइवलीहुड को ईक आउट करता हूं ईक ईख का खेती करके ईक आउट करना एक 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 करता हूं मुश्किल से निर्वाह करना एक 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 एक, एक दिन मुश्किल से हम लाइवलीहुड के लिए पैसा कमाते हैं और अपना लाइवलीहुड एक आउट करते हैं एक आउट का मतलब हो गया अर्न करना एक 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 का खेती करके लाइवलीहुड को इकआउट करता हूं एंड रोग का मतलब जीप का वेरी गुड रोग का मतलब बदमाश आवारा पागल दीवाना रोग का मतलब मेरे प्यारे भाई बहनों जिसे प्रेम रोग हो जाता है वो भी रोग बन जाता है वो भी रोग बन जाता है वो भी रोग बन जाता है रोग बन जाता है बदमाश हो जाता है आवारा हो जाता है प्रेम रोग जिसको जिसको हो होगा वो रोग हो जाएगा वो रोग हो जाएगा प्रेम रोग जिसको जिसको होगा वो रोग हो जाएगा हुडलम 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 अरे हुडलम हुडलम, हुडलम हुड़लम, चाइल्डहुड में हम उपद्रवी थे चाइल्डहुड में हम हुड़लम थे, चाइल्डहुड में हम हुड़लम थे, चाइल्डहुड में हम हुड़लम चाइल्डहुड में थे, चाइल्डहुड में हुडलम थे पिंप मतलब दलाल 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 पिंप 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 पीम्प, पीम्प, पीम्प मतलब दलाल इसे मैं याद करवाऊं या न करवाऊं आपको तो याद हो ही गया होगा मतलब दलाल मेक मनी इन लीगली बाई गेटिंग कस्टमर्स फॉर ब्ला 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 उसे कहते हैं पिंप उसे कहते हैं पिंप दलाल vicissitude हां हुड का मतलब तो सांप का फन भी होता है और हम ऐसे करते तो हैं उसको भी हुड कहते हैं हम vicissitude vicissitude ऐसा परिवर्तन जो फेवरेबल नहीं हो एडवर्स चेंज को हम vicissitude कहते हैं vicissitude vicissitude अगर vicissitude होगा तुम्हारा वीसी वीसी के जैसा तुम्हारा अगर एटीट्यूड होगा तो आपके जीवन में बार-बार वीसी सीट्यूड आएंगे वीसी सीट्यूड आएंगे वीसी सीट्यूड आएंगे वाइस चांसलर सी एटीट्यूड वीसी सी एटीट्यूड वाइस चांसलर सी एटीट्यूड अगर होगी तो आपके जीवन में भी आएगा वीसी सीट्यूड वीसी सीट्यूड वीसी सीट्यूड एंड भाई बहनों पोटलक 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 पोट सारे पोट लोग लेकर आएंगे मतलब वहां पे जब सारे मेहमान अपना अपना खाना लेकर आते हैं और शेयर करते हैं उसे पोटलक कहते हैं अब देखिए मिल्स to which everyone who is invited to which everyone who is invited brings food to share, share. potluck yes sab apna apna pot pot सब अपना पॉट लेके आना पॉट लेके आना सब पॉट लेके आना क्योंकि हम लोग पॉटलक स्टाइल में खाना खाएंगे हम लोग पॉटलक स्टाइल में खाना खाएंगे पॉट लेकर आना पॉट लेके आना पॉटलक स्टाइल में खाना खाएंगे खाना लेके आना

तो कुछ भी कुछ बोलो दवा खिला दो कि हाँ ये इस दर्द में दर्द है सही दर्द हो रहा है और इसी दर्द के लिए यही दवा है लो इस तुम खाओ सही हो जाएगा और चूंकि तो काल्पनिक बीमारी तो काल्पनिक दवा से ही सही होगा इसे कहते हैं पैसे वो पैसे वो पैसे वो लेता है लेकिन हमेशा पैसे वो दे, दे देता है पैसे वो लेता है और हमेशा पैसे वो दे, दे, दे देता है तो एक ऐसा दवा जो वाकई दवा होता नहीं है लेकिन बस आपकी काल्पनिक बीमारी को दूर करने के दिया जाता है placebo 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 and delirium delirium de <coughs> डेलिडियम डेलीरियरियम डेलीरियम 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 डेली डेली रम पीता हूं डेली रम पीने वाले लोग डेलिरियम में ही जिएंगे डेली रम पीने वाले भाई बहनों डेलिरियम में ही जिएंगे। डेली रम पीने वाले लोग डेलिरियम में ही जीवन जीते हैं उन्माद में ही जिंदगी जीते हैं मेंटल स्टेट इन विच वन इज कंफ्यूज्ड एंड नॉट एबल टू थिंक और स्पीक क्लियरली डेलीरियम यार तुम डेली रंपी होगे ना डेली रियम में जिंदगी गुजारना पड़ेगा तुम्हें बाटिक 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 कपड़ा रंगने की एक विधि बाटिक हमने बुटीक ज्वाइन किया और उस बुटीक में मुझे बाटिक सिखाया गया बाटिक उस बुटीक में बुटीक में कपड़ा कैसे कैसे रंगों से रंगा जाएगा मतलब कपड़ा रंग रंगनों की एक विधि इसे बाटिक कहते हैं बाटिक 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 बात तो ठीक है बात तो ठीक है मैं एक दिन जरूर बुटीक ज्वाइन करके बाटिक भी सीख लूंगा बात ठीक कहते हैं आप हम तो एक दिन जरूर बाटिक सीखेंगे हम जरूर बाटिक सीखेंगे हम जाएंगे बुटीक और बाटिक सीखेंगे एंड जनता तो आपने पढ़ नहीं लिया है एरियर्स बहुत जो एरियर होता है बकाया होता है उस एरियर्स कहते हैं वेरी कॉमन वर्ड एंड क्रक्स का मतलब होता है मूल बिंदु क्रक्स 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 एक मुन्नी एक मुन्नी के पास एक मुन्ना आता है और मुन्ना कहता है कि मैं क्या बताऊं मुझे आजकल नींद नहीं आती है मुझे आजकल नींद नहीं आती है रात में प्यास बहुत ज्यादा लगती है अचानक उठ के कुछ अपने 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 मन से ही मैं बातें करने लगता हूँ ना पढ़ाई में मन लगता है ना किसी से मिलने का मन करता है ना खाने का मन करता है उसने कहा अरे भाई क्रक्स तो बताओ क्रक्स क्या है क्या कहने का क्रक्स क्या मूल बिंदु क्या है मूल बिंदु यह है मुन्नी कि मुझे तुम पे क्रस है क्रस है क्रस है क्रस है यही तो क्रक्स है यही तो क्रक्स है यही तो क्रक्स है यही तो मूल बिंदु है आप समझते नहीं हो क्रक्स का मतलब बिल्कुल मूल बिंदु एंड ट्रॉट 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 ट्रॉट, ट्रॉट ट्रॉट आप देखिए इसमें एक और शब्द छुपा हुआ है रॉट रॉट मतलब सर जाना भाई बहनों रॉट का मतलब सर जाना रॉट का मतलब सर जाना रॉट का मतलब सर जाना ट्रॉट 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 तुरंत तुम ट्रॉट करो तुरंत ट्रॉट करो, नहीं सारे अंडे रॉट कर जाएंगे तुरंत 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 ट्रॉट ट्रॉट करो, करो, तेजी चलना दौड़ने और चलने के बीच में जो गति होती है उसे ट्रॉट कहते हैं ट्रॉट तुरंत ट्रॉट करो नहीं तो सारे अंडे रॉट हो जाएंगे सारे अंडे रॉट हो जाएंगे सारे अंडे रॉट हो जाएंगे ट्रॉट 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 का मतलब देखिए क्या कह रहा है मूविंग एट अ स्पीड फास्टर देन वॉकिंग बाय चला गया ये मूविंग एट ए स्पीड फास्टर देन वॉकिंग बाय स्टेपिंग विद इच फ्रंट लेग एट द सेम टाइम एज द अपोजिट बैक लेग इसे कहते हैं ट्रॉट करना अरे तुरंत 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 पहुंचो वहां पे ट्रोट करते हुए तुरंत पहुंचो नहीं तो सारे अंडे रोट हो जाएंगे एंड नुआर 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 होता है एक फिल्म या फिक्शन लिखने की शैली एक जिनर एक टाइप है जैसे नॉवेल एक टाइप हो गया प्रो आपका पोएम एक टाइप हो गया ड्रामा एक टाइप हो गया उसी प्रकार फिल्म बनाने के भी कई शैलियां शैली है नौ आए थे आर लिख कर मुझे समझाया कि फिल्म बनाने की ये अद्भुत अनोखी शैली है ये नायर है नौ आर लिखा नौ बार आर लिखा और कहा नौ आर का ध्यान रखना ये नौ आर का ध्यान रख के जब मूवी बनाओगे तुम्हारा मूवी सुपर हिट होगा उन्होंने मुझे एक नुआर सिखा दिया नुआर 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 नौ आर 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 नौ बार आर लिखा और कहा हर आर का अपना इंपॉर्टेंस है और इस शैली पे फिल्म बनाओगे सुपर डुपर हिट होगा मिस नोमर मिस नोमर मिस नोमर मिस मुझे नौ नौ बार मारी मिस मेरे प्यारे भाई बहनों मिस मुझे नौ बार मारी मैंने सिर्फ इतना ही कहा था कि मैडम अगर आप कहते हो कि मोदी मसीहा है अगर आप कहते हो मोदी मसीहा है तो मिस नोम है ये मिस नोमर है इस बे मिस नोम है मोदी मसीहा होगा हम हिंदुस्तानी फिर क्या होंगे फिर हम हिंदुस्तानी हल्क होंगे होंगे तो किसी कदम नाम बरे दर्शन छोटे तो उसको कहेंगे मिस नूमर कहेंगे उसे क्या कहेंगे मिस नूमर कहेंगे हमें मिस नो मारी थी क्योंकि मैंने कहा मोदी जी को मसीहा कहना ये अच्छी बात नहीं है मोदी जी बिल्कुल हम लोग का प्रधान सेवक हैं उसे मसीहा मत कहिए उन्हें बुरा लगेगा मोदी जी हमेशा कहते हैं कि मैं मिस नूमर हूं वो मिस मोदी जी हमेशा कहते हैं मैं प्रधान सेवक हूं आप उन्हें प्रधान सेवक कहिए मसीहा कहेंगे तो मैं कहूंगा मिस ये मिस नुमर है किसी का नाम एक व्यक्ति को देखा घास काट रहा था भाई बहनों एक व्यक्ति को देखा वो घास काट रहा था नाम पूछा क्या है बेटा तेरा नाम उसने कहा नाम अमीर चंद है नाम अमीर चंद है घास काट रहा था हमने कहा ये मिस नोमर है भाई ये मिस नोमर है ये मिस नोम है एंड टेब्लाइड टेब्लाइड ये 250 है टेब्लाइड 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 टेबलाइड का मतलब होता है कि जो पेपर हिंदू पढ़ते होंगे आप हिंदू टाइम्स ऑफ इंडिया का जो साइज है ना उसके आधे साइज का जो पेपर होता है ना उसे टेबलाइट कहते हैं टेबल पे आज तो टेबलाइट रखा हुआ है टेबल पे जो पेपर हिंदू हुआ करता था आज वहाँ पे टेबलाइड है आज वहाँ पे टेब्लाइड है आज वहां पे टेबलाइड है टेबल पे टेब्लॉयड है, पे है पेपर एक पूरा जो नॉर्मल साइज होता है उसका आधा साइज का पेपर को हम उसे टेबलाइड कहते हैं हम उसे टेब्लॉइड कहते हैं हम उसे टेबलॉइड कहते हैं हम उसे टेब्लॉइड कहते हैं हम उसे टेब्लॉइड कहते हैं एक detta, मैं पानी पी लू मैं पानी कॉफी पी लेता हूं कॉफी पानी सब खत्म ये देखिए सौ हमने याद करवाया करीब डेढ़ सौ से शुरू हुआ सिलसिला और हम लोग पहुंचे हैं करीब ढाई सौ तो पहुंच गए बाकी पचास आपको याद करना है लेकिन चलिए पचास इक्यावन से लेकर साठ तक आपको याद करवा देते हैं बाकी चालीस तो हम याद जरूर कीजिएगा आप मोरी बंद का मतलब होता है मरनाशनी स्थिति में होना अंत के करीब मोरी, मोरी 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 बंद मोरी मतलब नाली होता है नाली बंद हो गया मोरी बंद हो जाएगा मोरीबंद पेशेंट मोरीबंद इकोनॉमी, मोरीबंद कंपनी मोरीबंद कहते हैं अभी हमारे कोरोना से सफर करने वाले बहुत सारे पेशेंट मोरीबंद पेशेंट होंगे बहुत सारे मोरीबंद पेशेंट होंगे तो मोरीबंद का मतलब होता है अंत के करीब हमारे देश ही नहीं बल्कि सारे संसार में अभी इकोनॉमी की जो स्थिति भाई बहनों वो मोरीबंद मोरीबंद मोरी बंद, बंद बंद होने वाली मोरी बंद हो जाती है हा ब्रूहा ब्रूहा हा का मतलब हो हल्ला ब्रूहा हा नोजी एंड एक्साइटेड रिएक्शन और रिस्पॉन्स टू समथिंग ब्रूहा हा ब्रूहा ओवर समथिंग ब्रूहा हाहा ब्रू हा हाँ, मतलब जानते हैं कितना प्यारा वर्ड है हो अल्लाह हो अल्लाह ब्रू हाँ हा हा ब्रू हाँ हा 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 फ्रेक्कास फ्रेकास 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 मतलब कोलाहल झगड़ा फ्रो मतलब मतलब आर्गुमेंट्स और फाइट्स बेसिकली फ्रेकास का मतलब झगड़ा होता है नोइजी क्वारेल से नोइजी क्वारेल से नोइजी क्वारेल से नोइजी क्वारेल से फ्रेकास फ्रेकास हमारे सुबोध जी जब इंस्पेक्टर बने और अपने बॉस के साथ बैठ के कुछ मीटिंग कर रहे थे इतने में एक बेहतरीन महिला उनके बगल से गुजरी और सुबोध जी के मुंह से निकल गया बॉस झक्कास बॉस झक्कास नजर डालो झक्काश लेकिन सुबोध जी को पता नहीं था कि जो गुजर रही थी वो उनके बॉस की लुगाई थी जैसे उन्होंने कहा झक्कास, बॉस और इनके बीच हो गया फ्रेकास इनके बीच हो गया बॉस और इनके बीच हो गया फ्रेकास और इन मतलब नॉट कम्युनिकेशन मतलब संपर्क वर्चित इन कम्युनिक इन कम्युनिकेडो मतलब जो कम्युनिकेशन बिल्कुल ना हो मतलब नॉट एबल टू कम्युनिकेट विद अदर पीपल और इन मतलब नॉट कम्युनिकेशन से बना इन कम्यू इन कम्युनिकेडो संपर्क वर्चित नॉन डिस्क्रिप्ट यह भी बहुत है वर्णतित नॉन डिस्क्रिप्ट मतलब वेरी ऑर्डिनरी और हैविंग नॉट इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग फीचर और क्वालिटी डिस्क्राइब करने लायक कुछ भी नहीं है इसमें नॉन डिस्क्रिप्ट कुछ भी नहीं है इसे डिस्क्राइब नो नन डिस्क्रिप्टन डिस्क्रिप्ट मतलब वेरी ऑर्डिनरी विंग नो इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग फीचर और क्वालिटी क्या डिस्क्राइब करूं ये तो नॉन डिस्क्रिप्ट है ये तो नॉन डिस्क्रिप्ट है अप्रंट अप आप भाई सबके फ्रंट में ही हर बात बोल देते हो आप तो अप फ्रंट हो आप फ्रंट में हर बात रख देते हो आप फ्रंट में ही हर बात रख देते हो आप तो फ्रंट हो यार आप फ्रंट हो मैं आपको अप फ्रंट कहूंगा क्योंकि आप फ्रंट में हर बात को रख देते हो आप फ्रंट हो मतलब नॉट कीपिंग एनीथिंग सीक्रेट और डायरेक्ट हमें भी अप फ्रंट बनना चाहिए हमें भी अप फ्रंट बनना चाहिए वैपिड 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 वापी गया था मैं वापी गया था वापी गया था और वहां पे ईद मनाते हुए लोगों को देखा वापी में वापिड वापी, वापी में जब ईद मनाते लोगों को देखा वहां के लोग बिल्कुल नॉट लाइवली नॉट इंटरेस्टिंग डल और बोरिंग थे हो गए वापी वापी गुजरात में वापी वापी वापी, वापी है वापी, वापी में ईद लोग मना रहे थे वापी में ईद वापी वापी वैपिड 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 वैपी वैपिड वैपिड नीरस वैपिड मतलब होता है नीरस वैपिड 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 रखना वो कहते हैं ना दुनिया में सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग दुनिया में सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग लोगों के बारे में सोचना लोगों का काम है सोचना और लोग क्या सोचेंगे ये भी अगर तुम सोचोगे मैं सोचूंगा तो फिर वो क्या सोचेंगे इसलिए अपने सोच को स्वयं के उद्धार के लिए लगाओ स्वयं को साधारण से असाधारण बनाने के लिए लगाओ अपना सारा समय स्वयं के उत्थान के लिए लगाओ सोचो मत की दुनिया क्या सोचेगी अगर जिस दुनिया के लिए सोचते हो ना वो तुम्हारे लिए रत्ती भर भी नहीं सोचते हैं और रत्ती भर भी सोचते तो फिर वो ऐसा नहीं सोचते तो फिर क्यों सोचते हो उनके बारे में स्वयं के बारे में सोचो

हो जाओगे इंटरनिशीन इंटरनेसिन इंटरनेंटरसीन परस्पर आपसी हाँ ऑकरिंग बिटवीन मेंबर्स ऑफ द सेम कंट्री ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन इंटरने इंटरवल के बाद जो सीन आया उसमें आपसी समझौता हुआ परस्पर सहयोग की भावना आई इंटरवल के बाद जो सीन आया वो उसमें इंटरसिन इंटरसिन सपोर्ट देखे गए इंटरसिन सपोर्ट देखे गए इंटरसिन डायलॉग देखा गया इंटरसिन मतलब आपसी सही आपसी परस्पर इंटरवल के बाद जो फिल्म में सीन आया उसमें इंटरसिन बातें की गई उसमें आपसी परस्पर सहयोग की बातें की गई इंटरसिन 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 एंड प्लैंक प्लैंक मतलब तो तख्ता होता तख्ता लकड़ी का तख्ता तो प्लैंक आप जानते ही हैं प्लैंक तो जानते ही हैं बिल्डिंग इज रिक्टी वेरी गुड एंड प्लैंक मुद्दा घोषणा पत्र और प्लैंक मतलब मुद्दा और घोषणा पत्र भी होता है प्लैंक पलक ने कमाल प्लैंक बनाया है अब देखो पी हटा के लग दो बी तो बन जाएगा ब्लैंक आपके प्लैंक में तो हर चीज ब्लैंक है आपके प्लैंक में तो हर चीज ब्लैंक है सब खाली खाली है कुछ मुद्दा ही नहीं दिखता है नाम का मुद्दा है लेकिन एवरी इज ब्लैंक प्लैंक 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 देखेगा एन इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑन विच द एक्टिविटीज ऑफ अ ग्रुप स्पेशली पॉलिटिकल ग्रुप आर बेस्ड ऑन उसे कहते हैं घोषणा पत्र उसे कहते हैं प्लैंक पलंग पे बैठ के पलंग पे बैठ के प्लैंक बनाते कैसे भी रिलेट कर लो याद कर लो और जब एग्जाम में आए सही बना के आ जाओ पचास में पचास आ जाएगा दो सौ में दो सौ आ गया बात खत्म हो गया भाई बहनों फिर भूल जाओ ने कैसे पढ़ाया। चिला चिला के पढ़ाया। कैसे पढ़ाया पढ़ाया के पढ़ाया क्या रिलेट किया नहीं किया सब भूल जाओ बस पचास में पचास आ जाना चाहिए मकसद हमारा यह है कहते हैं ना कि एंड जस्टिफाइज द मीन्स एंड जस्टिफाइज द मीन्स अगर एंड अच्छा हुआ तो मीन्स स्वाभाविक अच्छा रहा होगा अगर एंड अच्छा हुआ इंस्पेक्टर बन गए तो बात जान के जाना जो हुआ जैसे किए जैसे सीखे जाने वो सब सही था तभी तो एंड अच्छा हुआ एंड जस्टिफाइज द मीन्स तो आप भी बनाओ अपने जीवन का एक घोषणा पत्र और जिस घोषणा पत्र के आधार पे पूरा जीवन जीना पूरा जीवन जीना आपको भी बनाना पड़ेगा प्लैंक लेकिन हम लोग के जीवन का प्लैंक तो ब्लैंक है हम लोग के जीवन में कोई मुद्दा ही नहीं कोई घोषणा पत्र ही नहीं है क्या घोषणा किया जब आया तो बीजेपी ने घोषणा किया हम राम मंदिर बनाएंगे कश्मीर को वापस लाएंगे पाकिस्तान को मिला लेंगे और उसी पे उन्होंने पूरे बीजेपी को टिका दिया खड़ा कर दिया आपके जीवन में भी एक मुद्दा लाना पड़ेगा अपने जीवन को ब्लैंक मत बनाओ एक प्लैंक लाओ और प्लैंक लाके फिर अपने जीवन को उस प्लैंक के आधार पे आसमान की ऊंचाई पे ले जाओ अभी तो ब्लैंक है अभी तो ब्लैंक है कब आएगा प्लैंक कब आएगा प्लैंक कब आएगा प्लैंक आपके जीवन में दोस्त देखिए हमने कहा था कि आपको सौ हमने सिखाया लेकिन मैंने एक सौ दस बताया ऐसे ही है ना सारे शब्दों को रिलेट करो कोई नहीं जानता है कि इंस्पेक्टर बनोगे या टीचर बनोगे इंस्पेक्टर बने तो भी सम्मानित महसूस करोगे इन सारे शब्दों को सीख के और टीचर बन गए तो फिर बात खत्म हो गया तब तो दिन रात मेहनत करना पड़ेगा दिन रात मेहनत करना पड़ेगा एक टीचर अपने विद्यार्थी से कई गुना ज्यादा पढ़ता है गुना ज्यादा पड़ता है तभी वो टीचर कामयाबी के साथ अपने बच्चों के जीवन में करिश्मा क्रिएट कर पाता है अगर वो मेहनत नहीं करेगा तो बच्चों को लेकर दौड़ नहीं पाएगा बच्चों को लेकर आगे बढ़ नहीं पाएगा इसलिए एक स... नेहा जी ने कहा था सब पूरा करवा दो मैं चाहूंगा बहन से कि बहन आप कम से कम 40 तो कर लो 10 हम आए चालीस कर लो नहीं तो फिर करेंगे बताएंगे नहीं तो फिर हम करवा देंगे कोई दिक्कत नहीं लेकिन मैं चाहता हूं कि थोड़ा आप भी कोशिश करो सफलता जरूर मिलेगी <coughs> तो मेरे प्यारे भाई बहनों आज की बात हम यहीं तो रखते हैं सौ इडियम्स का सौ वन वर्ड का करार था कल डेढ़ सौ आज डेढ़ सौ दो सौ हमने सिखाया सौ आपने सीखा सौ आपने याद किया एक बच्चा का मैसेज देखा कि सर जिंदगी में पहली बार हमने सौ कल याद किए थे विश्वास ही नहीं था कि सौ याद किया जा सकता है मैं बताऊं कि मैं पहले जब टेंथ में था नाइन्थ में था तो एक दो घंटे में दस वर्ड याद करता था दो घंटे में दस वर्ड याद कर लिया तस्मार खान समझता था लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब तैयारी करने आया यहाँ पे कैट की तैयारी करने के लिए आया मेहनत करना शुरू किया और साल दो साल में जब मेहनत करते करते साल दो साल गुजार अंदर गए आपको विश्वास नहीं होगा एक घंटे में सौ सवा सौ डेढ़ सौ वर्ड याद होने लगा चीजें बढ़ती चली जाती वही करोगे आप अंग्रेजी के अलावा कुछ हमने पढ़ा भी नहीं तो स्वाभाविक है पढ़ते 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 माइंड का भी अपना जो मेमोरी होता है ना एक्सपेंड कर जाता है एक्सपेंडेबल मेमोरी आ जाता है और फिर बचपन में पांच उससे फिर बीस फिर तीस फिर चालीस पचास सौ ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो एक घंटा में दो सौ और एक हजार वर्ड याद कर सकते हैं उनकी कमाल की मेमोरी होती है उनका अपना एक्सपर्टीज होता है आप भी कर सकते हैं आज की बात रखते निशा कुमारी जी बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू सो मच नाइस टाइम मचॉर गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू हंसते रहिए रहिए मुस्कुराते और ऐप पे इन पे आधारित जितने भी एक्सरसाइज दिए हुए हैं सारे करीब तीन सौ तीन सौ पे एक्सरसाइज दिया गया है उन सबको बनाइए डिक्शनरी कंसल्ट कीजिए शब्द को सीखिए यार दोस्तों के साथ उसको शेयर कीजिए शेयर करेंगे हमेशा के लिए आपके मस्तिष्क में समझ बन के बैठ जाएगा बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच गुड नाइट एंड गुड नाइट गुड नाइट टेक केयर गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट चार से छह वाले बैच का जितना मत करो सबको नंबर जा रहा है चार्ज सब सब सबको मैं अपने ऐप से जोड़ रहा हूँ सारे बच्चों को मैं ऐप से जोड़ रहा हूँ धीरे धीरे अभी नाइन टू इलेवन का को, को हमने जोड़ लिया है इलेवन टू वन वाले को जोड़ा जा रहा है फिर वन टू थ्री फिर फोर टू सिक्स सारे बच्चे जुड़ जाएंगे चिंता मत करो फोर टू सिक्स वाले बच्चे आ रहे हैं इलेवन बिल्कुल चिंता मत करो अब बस आप जो पढ़े उसको रिवाइज करते रहो बहुत जल्दी जुड़ जाओगे आप थैंक यू सो मच गुड नाइट एंड टेक केयर